आलोक राज मतलब 9 AM सुबह 9 बजे बोर्ड के ताले खुल रहे हैं। क्या अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर में वो 6 परीक्षाएं होंगी? तो उसके लिए हमने कल ही विज्ञप्ति जारी की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पर लोगों के बातचीत के ऊपर विस्परिंग कैंपेन पर विश्वास ना करें। जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई सवाल अपने मन में खड़ा हो, आप हमारी जो वेबसाइट है आप उसी को देखें, जो हमारी अधिकृत वेबसाइट उसको देखें और जो भी कोई सूचना होगी किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, डेट के बदली के बारे में, कुछ भी उस पर आपको मिलेगी और वो बिल्कुल सही होगी। CHO की बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है कि आप CHO को लेकर। नहीं, आपकी बात मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि जो बच्चे परेशान हैं और उनके मन में शंका है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, दोबारा होगा कब होगा, तो अभी चूँकि ये कि ऐसा मामला है जैसे अंदर कुछ गलत हुआ है या उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो किस हद तक हुआ है, उसका क्या मैग्नीट्यूड था और उसकी तय तक जाना बहुत ज़रूरी है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे उससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो, कुछ को नुकसान होगा। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे काबिल बच्चे हैं, काबिल युवा हैं जो कि इसके लिए सेलेक्ट होने चाहिए थे, उनकी जगह दूसरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। ज्वाइन करते ही सबसे बड़ी चुनौती 48,000 पदों पर आयोजित हुई अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम, जिसको अंतिम परिणाम को लेकर काफ़ी समय से मांग हो रही है। कब तक उम्मीद करते हैं कि सौगात मिलेगी? तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया है वो जारी है, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन की, रिजल्ट्स को चेक करने की और फीड करने की, ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन कोई भी टाइमलाइन देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आप टाइमलाइन दे दें और टाइमलाइन आप मीट नहीं कर पाएँ तो उसका फिर गलत नुकसान होता है। तो सिर्फ ये आप कह सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि हमारा पूरा जो स्टाफ है इस बात से वाकिफ़ है कि इसको जल्दी करना है और उसमें लगे हुए हैं। एक शायद एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा, PTI भर्ती पर 10 महीने हो गए हैं, स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट को लेकर एक पेज अटका हुआ है, उसकी वजह से ये भर्ती अभी तक की रुकी हुई है। तो चूँकि PTI का एक ऐसा मामला था जहाँ पर कि काफ़ी सारी तहकीकात की जाती है सर्टिफिकेट्स की, कि कोई सर्टिफिकेट गलत ना हो, नाकाबिल बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए, और उसी की वजह से अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग जगह पर, डिपार्टमेंट के लेवल पर, हमारे लेवल पर तहकीकात होती है और कई बार जब शंका होती है तो हम उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मदद देते हैं और उसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिजल्ट्स लेट हो जाते हैं और शायद इसी के साथ में ये भी हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसे केस थे जिनको दोबारा चेक करना था और वो प्रक्रिया भी चल रही थी और चल रही है। नमस्कार, धनअग्री न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ ललित। प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में बहुत से सवाल होते हैं, इन सवालों का जवाब मांगने के लिए कभी वो मंत्री के घर जाते हैं तो कभी अधिकारी के घर तो कभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। हमारी कोशिश रहती है कि इन युवा बेरोजगारों के हर सवालों का सटीक जवाब उनको मिल सके और इसी मंशा से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष आलोक राज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द नगरी न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। एक अगर बात की जाए सबसे पहले इस ताज की जो सरकार ने आपके सर पर रखा है, जिसके दोनों तरफ कांटे हैं, उस ताज को आप किस रूप में देखते हैं? ये कोई ताज नहीं है, ना कोई कांटे हैं, ये जिम्मेवारी है जो मुझे सरकार ने दी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी भी दी है और साथ में अधिकार भी दिया है कि मैं बिल्कुल अनबायस होके, इम्पार्शल तरीके से, बिल्कुल पारदर्शिता से और बिना किसी की सुने, जो सिर्फ सही हो वही करें, ऐसे उन्होंने मुझे अधिकार दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है जब ऐसा अधिकार मिल जाता है तो कोई ताज हो, चाहे वो कांटा हो, कुछ भी हो, अपन सब कुछ कर सकते हैं। सर, एक मेरा ये सवाल है, क्योंकि युवा होते हैं, युवाओं को ये उम्मीद होती है कि तुरंत परीक्षा हो, तुरंत परिणाम आए और तुरंत नियुक्ति हो जाए। इस जो उनकी शंका है, ये जो डर है कि कहीं हमारी भर्ती अटक ना जाए, क्योंकि पारदर्शिता किसी भी भर्ती के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन बोर्ड के इतिहास को उठा के देखा जाए तो ये पारदर्शिता कहीं ना कहीं इस बोर्ड की छवि को थोड़ा धूमिल करती हुई नजर आती है। तो जो युवाओं का डर या उनका जो अप्रिहेंशन है वो काफ़ी हद तक सही है,
कि क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है किसी भी प्रक्रिया में, और राजस्थान एक बड़ा राज्य है, बहुत फैला हुआ है, तो कुछ भी एग्ज़ाम कराना, सब कुछ व्यवस्था करना, और उसके बाद उनकी चेकिंग, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, मैं देख रहा हूँ यहाँ का जो पूरा प्रोसेस है काफ़ी लंबा है और काफ़ी डेलिब्रेट तरीके से पूरा प्रोसेस को किया जाता है, तो जाहिर है कि टाइम लगेगा। और पूरी प्रक्रिया अच्छे से की जाती है एज़ पर रूल्स, एज पर SOP, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर लिटिगेशन होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, बच्चों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो इसीलिए इस बोर्ड की हमेशा ये मंशा रही है, हमेशा कोशिश रही है कि जिसकी वजह से कि ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और पूरी प्रक्रिया एक तरीके से की जाए, ताकि जो रिजल्ट है जितना बेस्ट दिया जा सके वो दिया जाए, ताकि कम से कम त्रुटियाँ हों और उनका निवारण टाइम से हो। और जहाँ तक बोर्ड का छवि का सवाल है, जो मुझे अभी तक मेरे देखने में आया है, बोर्ड के सभी चेयरमैन जो पुराने थे, सभी अधिकारीगण और जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और चूंकि ये बड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है उसमें कभी कभी कुछ कुछ ऐसी परेशानी खड़ी होती है, चैलेंजेस होते हैं जिनका निवारण निकल जाता है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन छवि पर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन उठता है, बट मैं कह सकता हूँ अपने कॉन्फिडेंस से कि सभी की ये इच्छा रही है कि ये बहुत पारदर्शिता से सारी प्रक्रिया की जाए और कभी इसको किसी का नुकसान ना हो। तो लेकिन जो आपने बात पूछी उसका एक और जवाब है कि हमारी कोशिश है कि जो ये प्रक्रिया है उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो टाइम गैप्स होता है, टाइम लैप्स होते हैं, उनको हम कोलैप्स करके जितना जल्दी हो सके एक कार्रवाई को करें, ताकि जो युवा हैं या उनमें जो आक्रोश है वो कम हो और जितना जल्दी हो सके वो काबिल बच्चे जॉब ज्वाइन कर सकें। सर, अब कुछ युवाओं के सवाल। ज्वाइन करते ही सबसे बड़ी चुनौती 48,000 पदों पर आयोजित हुई अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम, जिसको अंतिम परिणाम को लेकर काफ़ी समय से मांग हो रही है। कब तक उम्मीद करते हैं कि सौगात मिलेगी? तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया है वो जारी है, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन की, रिजल्ट्स को चेक करने की और फीड करने की, ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन कोई भी टाइमलाइन देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आप टाइमलाइन दे दें और टाइमलाइन आप मीट नहीं कर पाएँ तो उसका फिर गलत नुकसान होता है। तो सिर्फ ये आप कह सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि हमारा पूरा जो स्टाफ है इस बात से वाकिफ है कि इसको जल्दी करना है और उसमें लगे हुए हैं। छुट्टी के दिन भी कई बार आके वो काम करते हैं। हमारे थैंक्स टू दी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, निदेशक साहब जो बीकानेर में हैं, उन्होंने भी, कानाराम साहब, उन्होंने भी हमको एडिशनल मैन पावर दिए ताकि इसको हम एड्रेस कर सकें प्रॉब्लम को और एक्सपेडाइट कर सकें। तो बस ये कह सकता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इस कार्रवाई को किया जाए, लेकिन कोई डेट देना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। सर, सितंबर और अक्टूबर में 6 बड़ी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, अभी तक हैं कहेंगे, क्योंकि आलोक राज मतलब 9 AM सुबह 9 बजे बोर्ड के ताले खुल रहे हैं। क्या अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में वो 6 परीक्षाएं होंगी? तो उसके लिए हमने कल ही विज्ञप्ति जारी की है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पर, लोगों के बातचीत के ऊपर, विस्परिंग कैंपेन पर विश्वास ना करें। जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई सवाल अपने मन में खड़ा हो, आप हमारी जो वेबसाइट है आप उसी को देखें, जो हमारी अधिकृत वेबसाइट है उसको देखें, और जो भी कोई सूचना होगी किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, डेट के बदली के बारे में, कुछ भी उस पर आपको मिलेगी और वो बिल्कुल सही होगी। तो ये कभी कल कोई भ्रामक प्रचार चल रहा था कि कोई डेट सूचना चाहे वाला है, फिर मैंने पता किया तो मुझे बताया गया कि ये कोचिंग माफिया ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं ताकि बच्चे भ्रम में पड़ जाएं और वो अपनी फीस जमा करा दें। तो हम उसका खंडन कर देते हैं, और उसका हम खंडन करते हैं फिर हमारे वेबसाइट के जरिए। तो हमने उसका कल किया था और बताया भी था कि जो एक फ्रेश कैलेंडर, क्योंकि अभी जब चेयरमैन चेंज होते हैं तो कुछ एक प्रक्रिया को थोड़ा टाइम लगता है शुरू करने के लिए, और इसकी वजह से जाहिर है कि कुछ एग्जाम्स पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सा एग्जाम कब होगा और क्या डेट होगी, लेकिन असर पड़ेगा। जो फ्रेश कैलेंडर होगा, हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कुछ हम आपको बता दें, और लेकिन वो बताएंगे हम वेबसाइट के जरिए। बिल्कुल सर, एक शायद एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा, PTI बढ़ी,
पर 10 महीने हो गए हैं स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट को लेकर एक पेच अटका हुआ है, उसकी वजह से ये भर्ती अभी तक भी रुकी हुई है। तो चूंकि पीटीए का एक ऐसा मामला था जहां पर कि काफी सारी तहकीकात की जाती है सर्टिफिकेट्स की, कि कोई सर्टिफिकेट गलत ना हो, नाकाबिल बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए, और उसी की वजह से अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग जगह पर, डिपार्टमेंट के लेवल पर, हमारे लेवल पर तहकीकात होती है, और कई बार जब शंका होती है तो हम उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मदद लेते हैं, और उसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिजल्ट्स लेट हो जाते हैं, और शायद इसी के साथ में ये भी हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसे केस थे जिनको दोबारा चेक करना था, और वो प्रक्रिया भी चल रही थी और चल रही है, और उम्मीद है कि अभी वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी और जल्दी उसका नतीजा आपको सामने आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक सीएचओ वाली भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं जो अब ये कहने लगे हैं कि या तो परीक्षा रद्द हो या पूरी हो, क्योंकि 7 महीने का समय मानसिक प्रताड़ना से लगातार गुजर रहे हैं। अभी तक भी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि क्या पेपर आउट था या नहीं था, रद्द करना है नहीं करना है। सीएचओ की ये बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है कि आप सीएचओ को लेकर। नहीं, आपकी बात मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि जो बच्चे परेशान हैं और उनके मन में शंका है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, दोबारा होगा कब होगा, तो अभी चूंकि ये कि ऐसा मामला है जैसे अंदर कुछ गलत हुआ है या उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो किस हद तक हुआ है, उसका क्या मैग्नीट्यूड था, और उसकी तय तक जाना बहुत ज़रूरी है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे उससे कुछ बच्चों को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे काबिल बच्चे हैं, काबिल युवा हैं, जो कि इसके लिए सेलेक्ट होने चाहिए थे, उनकी जगह दूसरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। तो हमारी ये मंशा, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है और शायद डिले होगा, और उसके लिए तैयार रहें, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारी वो एक जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो जारी है, और कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि वो कब होगा कम्प्लीट और कब उसके एग्जाम दोबारा होंगे या नहीं होंगे या उसी को माना जाएगा। आई थिंक दिस वी शुड वेट। सर एक सवाल, बोर्ड चेयरमैन आलोक राज और मेजर जनरल आलोक राज, क्योंकि उन्होंने आर्मी में भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं कराई, दोनों में अंतर और चुनौतियां? तो फर्क तो है, क्योंकि आर्मी में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, मैंने वो भर्ती नहीं कराई जो कि एंट्री इनटू आर्मी होती है, लेकिन जो हमारे खुद के प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के फॉर डिफरेंट पोस्ट, प्रमोशन डिपार्टमेंट टू प्रमोशन कमेटीज, सिलेक्शन फॉर डिफरेंट कोर्सेज, सब डिफरेंट ट्रेनिंग हमने कराई है, बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और हमारा एक एक्ट होता है, तो इसलिए उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इस चीज़ से। लेकिन मेरी ये उम्मीद है और मेरी कोशिश है कि यदि उस लेवल तक नहीं तो कुछ लेवल तक हमारे जो युवा होंगे उनमें हम ऐसी कोशिश करेंगे कि वो काफ़ी हद तक उस तरह का प्रक्रिया किया जाए और युवाओं को ऐसा भरोसा दिलाया जाए कि यदि वो एक अच्छे तरीके से पेश आएंगे, अच्छे तरीके से प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, तो सारे के सारे जो अपनी कार्रवाई होती है इलेक्शन अपने इम्तिहान की वो अच्छे से की जा सके। और एक और बताना चाहूँगा कि मुझे कई बार ऐसे युवा बच्चे आते हैं जो कितने फरियाद लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, और वो एक बहुत ही पुराना सिस्टम की एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन का जवाब देते हैं, कोशिश होगी कि उसका आपको हल निकालें ताकि जो बच्चे हैं वो दूर दूर से आते हैं, उनको नहीं आना पड़े और उनको घर बैठे वो अपने उनको अपनी अपनी जो भी परेशानी है उसको शेयर कर सके और उसको हम यहाँ बैठे बैठे उसके सलूशन मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा कि जिससे उनको भटकना ना पड़े। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसका मुझे हिंदी में नहीं शब्द आ रहा है बोलने के लिए अभी, तो जो उनकी ग्रीवेंस, जो उसकी ग्रीवेंस परेशानी है उसको रिड्रेस करना, यानी उसको हल निकालने का कुछ हम सिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके बच्चों को अपने शंकाओं को दूर कर सके। सर पुराने चेयरमैन साहब ने 2 बार एक बात को एक्सेप्ट किया था कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भर्ती परीक्षाओं के जल्द परिणाम को लेकर दबाव बनाया जाता है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, जबकि यहां पर परीक्षा होते ही परिणाम की मांग उठा दी जाती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि आप राजस्थान के कल्चर को अच्छी तरीके से जानते हैं? तो मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, जो बेचारे जो युवा है उसको नौकरी की तलाश है और उसकी कितनी परेशानियाँ घर में होती हैं उसका अंदाजा हमको नहीं लगा सकते, मतलब चूंकि आप नहीं लगा सकते एक समस्या है, तो उसकी उनका कोई दबाव बनाना कोई गलत बात नहीं,
वो उनकी एक आकांक्षा है कि जैसे ही वो उसका इम्तिहान हो अगले दिन रिजल्ट आना चाहिए और तीसरे दिन उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो उस आकांक्षा से मैं वाकिफ हूँ और मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, कोई गलत नहीं है। बस खाली वो सोचे कि शायद इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमारी कोशिश को यदि वो बार बार आके हमको दवा बनाएंगे तो कोशिश थोड़ी कमी पड़ जाती है हमारी, तो थोड़ा सा भरोसा रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो मुझे उम्मीद है कि हम उसको और तेजी से कर पाएंगे। सर, आर्मी का मतलब टाइम पंचुअलिटी और डिसिप्लिन, क्या अब ये देखने को मिला है? क्योंकि मैंने सुना है कि आलोक राज जी 9 बजे बोर्ड कार्यालय पहुंच जाते हैं, तो क्या अब भर्तियों में वही टाइम वही डिसिप्लिन नजर आएगा? तो मेरा कहना बिल्कुल गलत होगा कि डिसिप्लिन नहीं था बोर्ड कार्यालय में या बोर्ड के लोगों में। नहीं, मैं सिर्फ वर्तमान की बात करता हूं सर। नहीं, तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफी अच्छा है और किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है, तो मेरी भी वही कोशिश है कि जो सिस्टम यहाँ पर है उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करें और थोड़ी पंक्चुअलिटी बढ़ाएं और थोड़ा टाइम लाइन्स को हम कायम रखें। जो जो उम्मीद हमारे युवा लगाते हैं उस पर हम खरे उतरें और हमारी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। और जो डिसिप्लिन हम आर्मी में रखते हैं, जो हम कोशिश करते हैं वहाँ पर पंक्चुअलिटी की, मुझे उम्मीद है कि ये कल्चर है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा और धीरे धीरे लोग उसके वाकिफ हो जाएंगे और यूज्ड हो जाएंगे। सर, राजस्थान में एक मांग लगातार उठती है कि UPSC की तर्ज पर भर्ती परीक्षाएं क्यों नहीं हो, बोर्ड हो या RPSC हो, क्योंकि UPSC ने जो कैलेंडर जारी कर दिया हम देखते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता परीक्षा आयोजित होने से लेकर परिणाम तक और नियुक्ति तक, जबकि RPSC और बोर्ड में अब तक एक भर्ती ऐसी नहीं है जो अपने निर्धारित समय पर पूरी हो पाई। तो आपकी बात बिल्कुल मुझे मालूम नहीं कितनी सही कितनी गलत है कि सारे हम एग्जाम्स हमारे टाइम पर नहीं हो पाते, मुझे नहीं कह सकता इस समय। हाँ, उनको स्टडी करूँगा मैं। UPSC में ऑलरेडी एक विजिट करके आ चुका हूँ और मैं वहाँ से भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं UPSC के बाकी राज्यों के जहाँ पर कि SSC है और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनसे मिलकर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखकर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बदलाव लाएं और जितना ज़्यादा हो सके टाइम से सारे एग्जाम कराएं, टाइम से रिजल्ट निकालें, ये हमारी पूरी कोशिश हो। सर, अब अंतिम सवाल, लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है, आपका जवाब रहेगा हमारे उन लाखों युवाओं के लिए जो इस समय आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें किसी भी भर्ती परीक्षा पर शंका ना हो, वो पारदर्शी तरीके से होगी, पूर्ण होगी, इसके साथ ही बिना किसी पेपर आउट के होगी, एक मैसेज हमारे युवा साथी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी। मेरा एक ये दृढ़ निश्चय भी है कि जो मुख्यमंत्री साहब ने हमें मेरे को भरोसा किया है उसको मैं गवारा ना होने दूँ, और उनका खुद का ये आदेश ही है मुख्यमंत्री साहब का कि चाहे कोई भी हो, कोई भी सिफारिश को नहीं माना जाएगा, और जो सिर्फ काबिल युवा हैं चाहे उनका कोई कनेक्शन किसी से है चाहे नहीं है, उन सबको उनकी काबिलियत के बेसिस पर ही एग्ज़ाम में पास किया जाए और उनको सफलता दिलाई जाए और फिर वो जॉब कर सके। और उसके लिए जो जो हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमको जो जो मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, जो बाकी बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करें। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम सब पॉसिबल वो करें ताकि जो आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरह से बिना किसी शंका के एग्जाम्स हों और टाइम से हों और बच्चों को अच्छा लगे कि उनकी जो काबिलियत है उसका उनको फ़ायदा मिला, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। सर, आपका संदेश सुन के मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, काबिल ही राजा बनेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ आलोक राज जी थे। युवाओं के वो तमाम सवाल देखिए, इस समय अध्यापक भर्ती, PTI भर्ती, CHO और इसके साथ ही आने वाली 6 बड़ी भर्तियों को लेकर युवाओं के मन में सवाल थे। इन सवालों का आलोक राज जी से हमने जवाब लेने की कोशिश की, मुझे लगता है कि युवा भी उन जवाब से संतुष्ट होंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में अब आपकी भर्ती परीक्षाओं की जो कमान है वो पूर्व मेजर जनरल आलोक राज के हाथ में है, तो उम्मीद करते हैं कि अब भर्तियां होंगी, समय पे होंगी, पारदर्शी होंगी, इसके साथ ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित।